हेलो, ओम प्रकाश हाँ गोयल जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी मासी, भोपाल से बोल रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त, पहचाना आपने? हाँ सर सर, ठीक है सर। मैं वेस्ट कम्युनिटी से ही हूँ और अच्छा, एसपी गुना रहा हूँ 3.5 साल, और 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ। आप जो है जिला अध्यक्ष हैं भिंड जिले के, ओके, जी सर, दशमा सम्मेलन तो आपको नहीं लगता है कि वैश्य समाज को बड़ा कोफ्त रहता है कि उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है, टैक्स कंप्लायंस के नाम पे उसको सताया जाता है, कोई भी उसके ऊपर छापा मार देता है, सामाजिक स्तर पे उसकी बात की सुनवाई नहीं होती है, पारिवारिक स्तर पे जो है ना उसे दबाया जाता है और वो कहीं भटकता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, और हम में से जो लोग कैसे भी एनकेन प्रकार टिकट लेके यदि जीत भी जाते हैं और मंत्री भी बच जाते हैं, तो इस इन पार्टी वालों ने उसे अपना बंधक मजदूर बना के रखा है। सर रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि पार्टी नहीं, व्हिप के सामने उसकी मुंह नहीं खुलता है। खुलता है क्या? तो बात है, आपकी बात सही है। और क्या है ओम प्रकाश जी, मैं जी? एक ऐसा मॉडल लेके आया हूं कि अपना हाँ देश बदल जाएगा, मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, और जी, वैश्य समाज का भी कल्याण हो जाएगा, सभी समाजों का कल्याण हो जाएगा, जी कर मुक्त भारत हो जाएगा, कर्ज मुक्त भारत हो जाएगा, आपके खीसे में अच्छा पैसे नहीं होंगे तो भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। ऐसा अद्भुत भारत अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे तो सब कुछ सोच रहा है। अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, जहां बिना थाना जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए और कोई झूठी एफआईआर दर्ज करे तो जेल में सड़ा सड़ जाए, 15 दिन ये में सही बात ऐसे है। अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है। अच्छा, 3 दिन से 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अपराधी को सजा मिल जाएगी जो 30 साल में भी नहीं मिलती है। हाँ, और एक डिजिटल चित्रगुप्त क्राइम फ्री भारत ने बनाया है, उसके माध्यम से अपराधी जब अपराध करने से निकलेगा तो अपराध करने के पहले वो 99% केसेस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्राइम फ्री भारत के चित्रगुप्त के पास है तो फिर अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए? उसे जो है पुनर्वासित करके उसे जो है अच्छा वो कर दिया जाएगा, और इसमें सभी को धन भी बांटा जाएगा, राइट? तो ऐसा भारत ओम प्रकाश गोयल जी चाहिए अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर, तो ऐसा उसके सोच लिए भी आप बढ़िया क्या तो अच्छी भूमिका बात है। निभाएंगे? जी देखिए, इसमें केवल दो ही है, साधारण सी भूमिका है, ना धन लगना है ना कुछ लगना है, और महा अच्छा चमत्कार हो जाएगा। अच्छा तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हमका सभी तैयार हुए यकीन से। तो आप वहां पर संगोष्ठी करिए। वैसे तो अच्छा मैं आपके जिले में पहुंच के आपसे फेस टू फेस बात करूंगा, लेकिन जी इमीडिएटली चूंकि समय कम है और 21 तारीख के से नामांकन भी चालू हो रहे हैं, लिहाजा हमें हाँ जल्दी से चंद्रगुप्त बनाना होगा, तो हम अच्छा आपके बीच में पहुंचेंगे, इसमें हो सकता है कुछ देर लग जाए। तो अच्छा क्या ये संभव है कि 1-2 दिन में आप कोई संगोष्ठी का जो है ना आयोजन कर लें और एक प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं आप लोगों को एड्रेस करूं और आपको समझाऊं, और हम में से जो डरे हुए सताए हुए हैं, जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, वो सदस्य की शपथ ले लें, और अच्छा जो निडर और निर्भीक हैं वो लोगों को जोड़ने की जो है कम से कम 2 संगोष्ठियां रोज करें, और उस आधार पर जो मार्क्स मिलेंगे तो लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट के आधार पर उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और विधायक का टिकट भी मिल जाएगा।
आज हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब तो मुश्किल से टिकट मिलता है, और मिलेगा ये भी नहीं मालूम है, कब किसका टिकट कट जाएगा ये भगवान ही जानता है कि नहीं। जनरली ये बदमाशों को अपराधियों को ही टिकट देते हैं, अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, है कि नहीं। तो इसमें टिकट भी मिल जाएगा और बिना खर्च किए सिर्फ संगोष्ठियां अपने लोगों को करके और लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आकर हम जो है विधायक का टिकट भी मिलेगा, और यदि हम लोगों को जोड़ते जोड़ते नंबर वन पे आ गए राज्य स्तर पर तो मुख्यमंत्री का जो है ताज भी मिलेगा। तो विधायक का चार्ज, मंत्री का चार्ज, उप मुख्यमंत्री का चार्ज और मुख्यमंत्री का चार्ज, ये चारों चार्ज जो है आपके हाथ में है, आपकी मेहनत के ऊपर है, और वो मेहनत बहुत छोटी सी है, संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है। तो ओम प्रकाश गोयल जी, आप एक आध दिन में ही या एक दो दिन में क्या एक वहां पे सब लोगों को जोड़ के संगोष्ठी चालू कर सकते हैं, जिसे मैं इमीडिएटली वीडियो पे जो है ना वो कर दूंगा, तो उससे क्या रहेगा कि जो हमें आपके बीच में पहुंचने का विलंब है उसके उससे हम जो है ना हमारा नुकसान नहीं होगा, और हम में से जो चंद्रगुप्त बन जाएंगे मेरिट लिस्ट पे आ जाएंगे उन्हें विधायक का टिकट भी मिल जाएगा और बिना खर्चे के वो जीत भी जाएंगे। ये मॉडल थोड़ा तैयारी में लगे हुए है ना, हम बताए इसमें से कम हम ज्यादा रहता है इसमें से, क्योंकि अक्षय जयंती चल रही है ना। क्या चल रही है? अक्षय जयंती, महाराजा अक्षय जयंती। ये तो और भी अच्छा है कि महाराजा अग्रसेन जयंती के उसमें ही हम सब लोगों को जोड़ लें, क्योंकि सभी लोग जो है ना उस जयंती के उसमें जो है ना जुड़ेंगे, तो जो जयंती का प्रोग्राम है उसी में जो है एक प्रोजेक्टर लगा के और जो टेक्निकल बंदा है मेरी से बात करा देना, तो वो उसको आपके प्रोजेक्टर से उस पर कास्ट कर देगा, और मैं जो है ना वहाँ जो अपने अग्रसेन जयंती की तैयारी में जो लोग लगे हैं उनको हर दिन संबोधित कर दूंगा, और उनमें से जो डरे सहमे हैं वो सदस्य की भूमिका के रूप में शपथ ले लें, और जो निडर और निर्वीक हैं वो चंद्रगुप्त की शपथ लें, और अभी इसी अग्रसेन जयंती में ही हम लोग जो है भिड़ के उसका फायदा उठा लें और फिर बाद में बाकी लोगों को भी जोड़ें। तो क्या ये आपके एंड पे संभव होगा जो वहीं पे ऐसा कर लें तो जो है अच्छा रहेगा? अभी क्या उन्होंने काम थोड़ा वो दूसरे टाइप के है ना, मतलब भी ये क्या बड़ा काम है, यहाँ पर कई विभाग बटे हुए हैं, कई लोग हैं, कई लड़के हैं, कई सिस्टम से है। अभी दूसरा क्या है, अपनी विधानसभा की भी तैयारी चल रही है, तो ये विधानसभा की तैयारी भी है ये जो है इसमें जो मेरी बात ध्यान से सुनो इसमें जो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसे विधानसभा का टिकट भी मिल जाएगा, और बिना किसी के सामने हाथ जोड़े 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत भी मिल जाएगा, और बनियों का भी कल्याण हो जाएगा और देश का भी कल्याण हो जाएगा। देखो फ्री नहीं होना है, फ्री नहीं होना है, क्योंकि 21 तारीख से तो नामांकन हो जाएंगे, तो फ्री करके अपन क्या कर लेंगे, तो जो कुछ करना है वो तो इन्हीं 9 दिन में करना है। तो प्रकाश जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप अपने 10-11-12 लोग जो कोर ग्रुप हैं उनकी एक मीटिंग रखो और उसे मैं जो है वीडियो से ही संबोधित कर दूंगा, और उसमें उनसे कलम करते हैं प्लानिंग, हम बताए आगे बोलना पड़ेगा करना पड़ेगा तब वो आपसे। तो 10-11 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और हम जो है इसी मोबाइल से और एक टीवी पे आजकल अपन कास्ट कर सकते हैं, हम लोग एक एक करके बात भी कर पाएंगे, हम उनको कॉन्सेप्ट भी समझा पाएंगे, और यदि हमने ऊर्जा डाल दी तो 11 दिन में चमत्कार हो जाएगा, आप लोगों को विधायक का टिकट भी मिल जाएगा और आप निश्चित तौर से जीतेंगे भी, और ये सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता हारेंगे जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ये हारेंगे। तो हाँ, लेकिन उसमें उसको ढीला नहीं छोड़ना है क्योंकि 21 तारीख से तो नामांकन चालू हो रहे हैं। चलो देखते हैं, बताते रहे आपको करेंगे, चलिए ठीक है, तो अपन कल फिर से बात करेंगे, ठीक है, तब तक आपको संगोष्ठी कर ली।